Hello, welcome to the Disciple of Christ family. First of all, I give thanks to God for this beautiful time that He has given to us to listen His word again at this time. Today, my intention is to talk about the mind that we have, the thoughts or the mind that controls our life. We will discuss a few things on it. And when it comes to mind, you may have your own definitions of it, but I will share what I understand when it comes to the word mind. हमारे जो सोच है उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा. माइंड जो माइंड कहते हैं अंग्रेजी में, उससे हम उसके ऊपर हम थोड़े बात करेंगे आज. आपके माध्यम से आपके आपकी ओर से आपके अपने डेफिनेशन हो सकते हैं, अपना सोच हो सकता है उसके लिए, लेकिन मैं जो समझता हूँ माइंड उसको ही मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर आज. वी कैन हैव आवर ओन डेफिनेशंस ऑफ माइंड. अपने अपने सोच अपना अपना एक्सप्लेनेशन हो सकता है माइंड जो भी हो, लेकिन फॉर मी व्हेन आई थिंक ऑफ माइंड इज द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग समथिंग. ये माइंड जो है कैपेसिटी हो जो हमारे सोच में सोच है उसका एक कैपेसिटी होता है. दैट्स अ कैपेसिटी ऑफ आर थिंकिंग. हम जब भी जो भी सोचते हैं वो उसी को माइंड में समझता हूँ. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट फील्स एवरीथिंग दैट हैपन अराउंड. इन दिस वे व्हेन बाइबल सेज लव द लॉर्ड विद ऑल योर माइंड, इट मीन्स टू थिंक टू गो क्लोजर टू गॉड. जब बाइबल कहता है प्रभु को परमेश्वर को पूरी माइंड से मतलब पूरे सोच विचार से प्यार करो, जब वो कहता है तब हमें ये समझना है कि हमें प्रभु के करीब जाना, वो सोच हमें रखना चाहिए. किस तरह से हम प्रभु के करीब जाएंगे, किस तरह से हम प्रभु से प्रभु के सामने में हम पहुंचेंगे, वो सोच जो हमारे ऊपर रखना चाहिए. तो वही बात कर रहा हूँ मैं. फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग इज टू यूज आवर माइंड टू लव गॉड एंड गो क्लोजर टू गॉड एज मच एज पॉसिबल. टू रिमेंबर व्हाट ही सेज इन द बाइबल एंड फील्स व्हाट गॉड द क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ वांट्स अस फ्रॉम हिज क्रिएशन. हमारे सोच जो ये सोच हमें लाना है कि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है और कुछ काम है इसलिए भेजा है. हमसे क्या चाहता है हमारे ईश्वर परमेश्वर, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस. हमें मालूम है परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें मालूम है कुछ न कुछ कारण तो है. वो सोची है अब और वो सोच से हमें उस तरह के जो सोच है उससे हमें परमेश्वर को प्यार करना है. दैट्स व्हाट बाइबल इज सेइंग इन मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37. इन द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट्स जीसस आस्क्ड. एक कमांडमेंट्स है, एक युवक आकर के पूछता है, एक आदमी आकर के पूछता है कि क्या करना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होने वाला स्वर्ग में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. तो यीशु मसीह कहता है लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट विद ऑल योर माइंड विद ऑल योर सोल. वो सब कह करके कहते हैं उसमें माइंड कहता है लव द लॉर्ड विद ऑल योर माइंड. ये माइंड जो है हमें मालूम नहीं होना चाहिए. लविंग गॉड विद आवर माइंड वुड सेव आवर इटर्नल लाइफ. हमें प्रभु के दास होने के नाते हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम स्वर्ग हेवन जाने के लिए हेवन में पहुंचने के लिए बने हुए हैं. हम इंसान हैं और हमें कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवन हमें चाहिए और वो जीवन जो है हमें पिता परमेश्वर से मिलता है. और उसी कारण ये मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 कहा है हमारे सोच जो है उससे हमें परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर को प्यार करना है हमें.
वो उसके लिए कह रहे हैं कि हमें पास परमेश्वर के सामने में पास में हमें जाना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए हमारे पूरे सोच से, पूरे विचार जो है हमारे दिल में उसे हमें उसे प्यार करना चाहिए, तभी हमें कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवन जो हमें मिलेगा। इट इज़ बिकॉज लविंग गॉड विद आवर माइंड वुड सेव आवर इटर्नल लाइफ एंड हैव सल्वेशन इन हेवन। स्वर्ग में कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवन पाने के लिए हमें सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, एंड दैट इज टू लव गॉड विद ऑल ऑफ आवर माइंड। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे सोच जो है, मेंटेलिटी जो है, आज से हम बदलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे सोच रखते हैं अपने दिल में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डेवलप द बेस्ट मेंटेलिटी टू सर्व गॉड एंड विद मच बेस्ट हार्ट वी विल लव गॉड विद मच माइंड वी विल गो क्लोजर टू गॉड फ्रॉम ऑल ऑफ आवर माइंड वी विल लव गॉड। Let us love God with our mind and go closer to God and receive eternity in heaven. May God bless us all. Thank you.